अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने लोअर लिम एनाटॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब पेज नंबर 252 पर जो एमसीक्यूज़ हैं ये कंबाइंड है। इसमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई कि मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स बीपी 70-50 फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। तो अब किसी का अगर मल्टीपल बोन फ्रैक्चर होता है, खासतौर पर अगर पेल्विक ट्रॉमास होते हैं, तो इंटरनल ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो जाता है, लो बीपी के साथ आता है, हाइपोटेंसिव शॉक में होता है पेशेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसके बीपी को ऊपर लाने के लिए क्या किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जितना हो सकता है आईवी फ्लूइड्स दें। और अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है तो ब्लड को ब्लड से रिप्लेस किया जाता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438, द मसल इन्वॉल्व इन अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। अच्छा, अनलॉक का मतलब है नी खोलना। नी कैसे खुलता है, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं तो नी खुल जाता है। तो अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट का मसल है पॉपलीटियस। वाइल लॉकिंग, लॉकिंग किस तरीके से होती है कि आप एक्सटेंशन बना दो अपने नी को, एक्सटेंड कर दो तो आपका नी लॉक हो जाता है। और लॉकिंग के लिए कौन से मसल होते हैं, क्वाड्रिसेप फेमोरस, ठीक है। यानी कि आपके एंटीरियर थाई के मसल नी को एक्सटेंड करते हैं, दीज आर क्वाड्रिसेप फेमोरस, ये लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में होते हैं। और अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट का कौन सा मसल है, पॉपलीटियस, ठीक हो गया। नाउ अ पेपर एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग द फुली एक्सटेंडेड नी इन प्रिपरेशन फॉर फ्लेक्शन रिक्वायर इनिशियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ विच मसल। तो अब अनलॉकिंग के अंदर आपका पॉपलीटियस मसल भी इन्वॉल्व होता है। वो कैसे कि जब आप अनलॉक कर रहे होते हैं नी को, तो आप फ्लेक्शन करते हैं, तो फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट में कौन सा मसल इन्वॉल्व है, पॉपलीटियस मसल इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। तो अनलॉकिंग के लिए पॉपलीटियस और लॉकिंग के लिए क्वाड्रिसेप फेमोरस। अनलॉकिंग डन बाय फ्लेक्शन एंड लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट इज डन बाय एक्सटेंशन। तो होपफुली आपको ये याद हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नी जब की रिफ्लेक्स वैल्यू, यानी कि नी की रिफ्लेक्स वैल्यू होती है L1 L2, ठीक है। नी जर्क की रिफ्लेक्सेस वैल्यू या नी जर्क रिफ्लेक्स जो होता है, इसकी रूट वैल्यू L1 और L2 होती है। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 439। इसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ बोन आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी हड्डी टूटती है, नेक ऑफ फीमर, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, तो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर टिबिया। अक्सर खेलते कूदते बच्चों को बॉल लग जाती है और या फिर गिर जाते हैं एक्सीडेंट्स में, तो टिबिया सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है। रॉड डलती है, आपने बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इन अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कौन सी होती है, जो होती है वो क्लेविकल होती है, ठीक है। क्लेविकल बर्थ स्ट्रेच इंजरीज में भी होती है। क्लेविकल जो है वो जो हाथापाई लड़ाइयाँ करते हैं, बच्चे एक दूसरे को मुक्का मारते हैं अक्सर शोल्डर पे, उसमें भी चली जाती है। तो क्लेविकल इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इन अपर लिम। अच्छा, और क्लेविकल का भी लेटरल 1/3, बाहर वाली जो है लेटरल 1/3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रैक्चर होता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कार्पल बोन, कार्पल बोन में सबसे ज़्यादा कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है, स्कैफॉइड। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में हमने पढ़ा कि स्कैफॉइड बोन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है इन द कार्पल बोन्स या रिस्ट बोन्स, ठीक है। और इसमें रेडियल आर्टरी फिर जो है वो कंप्रेस होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन जो होती है वो ल्यूनेट बोन होती है, ठीक है। लोकेशन ख़राब हो रही है, L4 लोकेशन ख़राब, L4 ल्यूनेट। तो डिसलोकेशन में ल्यूनेट होती है और फ्रैक्चर में स्कैफॉइड होती है। मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ रिप फ्रैक्चर, एंगल ऑफ रिप, ठीक है। ये आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा कि एंगल ऑफ रिप जो है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड होता है। अच्छा, इफ फुट साइज डिक्रीजेज आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। अगर फुट साइज डिक्रीज हो जाता है आफ्टर ट्रॉमा, तो फुट के मसल्स को पेरोनियल नर्व सप्लाई करती हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी नर्व डैमेज होती है, यहाँ पे क्या डैमेज हो रहा है, फीमर नेक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। लिम ग्रोथ विल बी अफेक्टेड इफ फ्रैक्चर पासिस थ्रू एपिफिजियल प्लेट्स। एपिफिजियल प्लेट्स पे ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं, तो एपिफिजियल प्लेट्स के अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब भी फर्स्ट रिब का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में हमेशा सबक्लेवियन वेजल्स आनी चाहिए, ये आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम जब थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि कोई मास, कोई फ्रैक्चर, कुछ भी जो है वो फर्स्ट रिब को कंप्रेस कर देता है, तो आपकी वेजल्स जो हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। तो जब वेजल्स प्रेस होती हैं तो हाथ में एडिमा हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती हैं। तो ये फर्स्ट रिब इज़ रिलेटेड टू सबक्लेवियन वेजल्स, ठीक हो गया।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन द प्यूपल अबव 6. अच्छा, उसके बाद हम रिब्स के फ्रैक्चर की बात करते हैं. नहीं, बल्कि अगेन यही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन अबव 60 ईयर्स. तो 60 ईयर्स के जो बूढ़े बंदे होते हैं उनमें ज़्यादातर फ्रैक्चर ऑफ फीमर नेक का होता है. मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर इज टिबिया. मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल लेटरल 1/3. फर्स्ट रिप फ्रैक्चर डैमेज टू सबक्लेवियन. ऊपर मैंने बता दिया कि फर्स्ट रिप का जब भी बात आती है तो सबक्लेवियन वेजल्स डैमेज होती हैं. तो मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिप फ्रैक्चर जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी को डैमेज करता है. मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन इन हैंड, हैंड के अंदर सबसे ज़्यादा या रिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन स्कैफॉइड है. ठीक हो गया. अब बात करते हैं रिप्स की. तो रिब्स में आपको मैंने बता दिया कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज़ द एंगल ऑफ रिब. कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर जस्ट एंटीरियर टू द एंगल ऑफ रिब. चाइल्ड विद फ्रैक्चर 5 and 6 रिब विच एनेसीजिया विल बी गिवन टू लॉन्ग पेन रिलीफ. तो लॉन्ग पेन रिलीफ इन द चाइल्ड ब्यूपीवकेन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस. ब्यूपीवकेन ज़्यादातर बच्चों में दिया जाता है. ठीक है. द वीकेस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर अ रिब कैन फ्रैक्चर. तो वीकेस्ट पॉइंट जहाँ से रिब का फ्रैक्चर कॉमन है इज अगेन एंगल ऑफ द रिब. अब है इशियम, इलियम और प्यूबिस के फ्रैक्चर. तो फ्रैक्चर ऑफ एसीटाब्यूलम सुपीरियर लैटरल. एसीटाब्यूलम आपको पता है ना, वो फीमर का वो पार्ट है जो कि एक कप और बाउल की तरह होता है जिसमें फीमर नेक जो है आके वो लगती है. ठीक है. एसीटाब्यूलम जो है वो इस तरह का एक सॉकेट बना होता है जिसके अंदर फीमर नेक इंसर्ट होती है. सुपीरियर लैटरल विच बोन इज फ्रैक्चर. तो सुपीरियर लैटरल जो है एसीटाब्यूलम के इलियम और इशियम होते हैं. अ बॉय हैड ट्रॉमा टू पेल्विस एंड हिज एसीटाब्यूलम मूव इन पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन. तो अब एसीटाब्यूलम फ्रैक्चर होता है तो इलियम एंड इशियम के जो हैं वो डिसलोकेशंस हो जाती हैं. लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ एसीटाब्यूलम इज फ्रैक्चर. प्यूबिक बोन इलियम इशियम डिसलोकेट हो जाएंगी. देन आती है फीमर की बारी. अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंटेड इन द ER आफ्टर एन एक्सीडेंट विद शॉर्ट लेफ्ट लेग रोटेटेड लैटरली कॉज फीमर नेक फ्रैक्चर. तो फीमर नेक फ्रैक्चर में ज़्यादातर लेग्स लैटरली रोटेट हो जाती हैं. ठीक है. अ 50-year-old मेल विद द हिस्ट्री ऑफ फॉल बट नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वन लिम्ब लुक शॉर्टर. तो लिम्ब लुक शॉर्टर या लिम्ब मूव लैटरली दोनों में नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होता है. एपिफिजियल प्लेट्स का मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि आपकी जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं वो ग्रोथ लाइंस होती हैं, ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं. तो अगर किसी पेशेंट का एपिफिजियल लाइंस का या एपिफिजियल प्लेट्स का जो है फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होता है, एपिफिजियल प्लेट के फ्रैक्चर से ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है. रेमिनेंट ऑफ एपिफिजियल प्लेट इज़ एपिफिजियल लाइन. ठीक हो गया. अदर क्वेश्चन क्या है. अ पेशेंट विद कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड लेसरेशन ऑन द थाई. हिज बोन वॉज फिक्स्ड एंड स्किन वॉज सूचर. कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब मल्टीपल टाइप के फ्रैक्चर थे एट द सेम लोकेशन और वहाँ पे लेसरेशंस भी थी. तो सफाई की फीमर और जो है वो बोन जो स्किन थी उसको बोन को फिक्स कर दिया और स्किन को सूचर कर दिया. आफ्टर फ्यू डेज वाउंड वॉज हीलिंग बट स्टिल सम सीरोजिनस फ्लूइड वॉज ओजिंग फ्रॉम द सूचर साइड. तो भाई जब एक लंबे अरसे तक वुंड हील नहीं हो रहा, वुंड में से पस या फ्लूइड निकल रहा है तो इट मीन देयर इज समथिंग इन दैट वुंड. या तो उसमें कोई इन्फेक्शन है या उसमें कोई फॉरन बॉडी में मिट्टी के ज़रात भी हो सकते हैं. फॉरन बॉडी में जो है वो कोई छोटा मोटा बाहर का कोई पार्टिकल तिंका और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि फिर सीरोजिनस फ्लूइड को रिलीज कराते हैं फ्रॉम दी सूचर साइड. क्लेविकल का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आउटर 1/3 एंड इनर 1/3 की उस पर होता है और इनर क्लेविकल को एलिवेट किया जाता है विया द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप अगर अपनी नेक को अपोजिट साइड पर मूव करते हैं तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. अ पेशेंट हैज सफर्ड फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट रिब. फर्स्ट रिब की बात आती है तो कंप्रेशन ऑफ सबक्लेवियन वेजल्स होती हैं. तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 252 के क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर याद करने वाले हैं, आपने पहले भी सुन रखे होंगे तो यकीनन आपको अभी आसानी हो जाएगी इनको रिमेंबर रखने में, याद रखने में. ठीक है. तो अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना है. वीडियो यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है.